वेलकम बैक टू माई चैनल स्मॉल टिल थिंग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सभी के साथ ये ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और इस विंटर सीजन में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा गाइज आपके लिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन का एक काफ़ी हद तक गुड कंडीशनर का काम करता है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूद और ग्लोई बनाता है। गाइज़ ग्रीन टी के अंदर काफ़ी अच्छे अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी स्किन को, उसके अंदर आप एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन को रेडिएंट बनाने में मदद करते हैं, फ्लॉलेस बनाने में मदद करते हैं, सॉफ्ट बनाने में मदद करते हैं। ये आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, आपकी अगर रेडनेस है या एक्ने मार्क्स है उसे भी कम करता है और आपको ग्लोई सॉफ्ट लुकिंग स्किन देता है। एंड साथ ही ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखता है। आगे बढ़ने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को क्लिक करना है, जिससे आपको मेरी इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो गाइस, इसे बनाने के लिए चाहिए होगा मलाई। यहाँ पे मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच, आप चाहें तो 2 चम्मच मलाई, जो मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके घर में इजीली मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 ग्रीन टी का बैग, एंड यहाँ पे 1 ही ग्रीन टी हमें चाहिए, अराउंड 1 टेबल स्पून। देन हम यूज़ कर रहे हैं ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून, आप चाहें तो स्वीट आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा होता है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में। अब एक क्लीन कंटेनर में ये सारी चीज़ें एक एक करके ऐड कर दे। यहाँ पे मैं पहले ऐड करूँगी 2 चम्मच मलाई, और यानी कि क्रीम, दोनों ही आपको जो भी इजीली मिल जाए आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करने में मदद करती है। साथ ही बहुत देर तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करके रखती है। ये जो गाइस मलाई है वो आपकी स्किन का कंडीशनर का तरह भी काम करती है। जैसे कि आप हेयर्स के लिए कंडीशनर यूज़ करते हैं, उसी तरह ये आपके फेस का कंडीशनर भी करती है। काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन की डीपर लेयर में जाके ये आपको, आपके सेल्स को ग्रो होने में और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट और ग्लोई बनती है। अब इसमें मैं ये 1 ग्रीन टी का बैग जो है वो पूरा ऐड कर दूँगी, एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। अगेन, अगर आप स्वीट आलमंड ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो स्वीट आलमंड ऑयल है वो आपके एक्ने स्पॉट्स को कम करने में मदद करता है, और ऑलिव ऑयल भी आपके एक्ने स्पॉट्स को कम करने में मदद करता है। साथ ही आप इसको मॉइस्चराइज भी करता है आपके फेस को, और पिम्पल्स को भी कम करने में मदद करता है। इसलिए यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। एंड इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। एंड मिक्स करने के बाद गाइस, आप अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप नॉर्मल घर पे जो भी DIY बनाते हैं उसे थोड़ा कम अमाउंट में बनाया करें, क्योंकि जो घर की जो होम रेमेडीज़ होती है, DIYs होते हैं, उसके अंदर कोई भी केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते हैं, इसलिए ये जल्दी से ख़राब हो जाती है। इसलिए आप जो भी बनाएं वो थोड़ी सी अमाउंट में बनाएं, जिससे आप इसे ज़्यादा से यूज़ भी कर पाएँ और वापस नया बना के फ्रेश भी यूज़ कर पाएँ। अगर आपको ये पसंद नहीं आती है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा थोड़ा सा बना के पहले चेक करें, सूट होती है तो वापस बना लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो क्रीम है ये आप इसे 3 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं, बट याद रहे कोई एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें, क्योंकि ये मलाई है, मलाई बाहर जो अगर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये जल्दी से ख़राब हो जाती है, क्रीम जो रखेंगे तो भी ख़राब हो जाती है। अभी अच्छी तरह से बन चुकी है, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, मैं इसे एक कंटेनर में निकाल लूँगी। अगेन, आप इसे कोई से भी एयरटाइट कंटेनर में निकाल के रख सकते हैं। अब मैं इसे लगा के आपको यूज़ करके बताती हूँ गाइस, ये कुछ इस तरह से दिखता है। काफ़ी अच्छी क्रीम है गाइस, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, एंड ये बहुत अच्छी हाइड्रेटिंग क्रीम की तरह काम करती है। आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से दिख रही है, एंड बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है गाइस, कर देती है, और बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाती है, बिल्कुल भी ऑयलीनेस और ग्रीसीनेस नहीं लगता है। आप इसे रात में ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि रात में आपकी स्किन रिपेयर मोड पर होती है, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये वर्क करी है, एंड नेचुरल शाइन आपकी स्किन को देती है। अगर आप इसे मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हैं तो इसे 2 से 3 मिनट मसाज करके 15 मिनट के लिए छोड़ दें अपने फेस पे, एंड देन वार्म वाटर से अपना फेस जो है वो वॉश कर लें। अगर आप इसे रात को यूज़ कर रहे हैं तो इसे लगा के रात भर छोड़ दें अपने फेस पे, मसाज करके रात भर अपने फेस पे छोड़ दें। नॉर्मल सुबह मॉर्निंग में आप इसे अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, और इसका बेस्ट और बेटर रिजल्ट के लिए गाइज आप इसे सुबह और शाम दोनों टाइम यूज़ करें। आप देखेंगे आपकी स्किन में और आपकी स्किन के टेक्स्चर में एक चेंज आ रहा है, जो आपको इसके रेगुलर यूज़ से ही पता चलेगा।
तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, काफ़ी अच्छी क्रीम है। साथ ही ग्रीन टी जो है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, और आपकी अगर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स है आईज़ के अराउंड तो ये उसे भी काफ़ी हद तक मदद करती है हटाने में, पिंपल्स के मार्क्स को भी कम करने में मदद करती है, और आपकी स्किन को वेल मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रखती है। आप देख सकते हैं वॉश करने के बाद मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, ग्लोई लग रही है, और एक ड्यूई फिनिश लग रही है, बिल्कुल भी क्रैकीनेस और ड्राइनेस नहीं लग रही है मेरे फेस पर, क्योंकि विंटर में मेरा फेस जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है। तो ये जो है एक कंडीशनर, डीप कंडीशनर की तरह काम करती है ये क्रीम, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें एंड अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके DM कर सकते हैं। होप आपको ये क्रीम पसंद आएगी गाइस, तो प्लीज़ बनाएं और इसे रेगुलर यूज़ करें, तभी आपको इसका एक अच्छा सा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड जैसे कि आप अपने हेयर्स के लिए कंडीशनर यूज़ करते हैं, उसी तरह ये आपके फेस का कंडीशनर का तरह काम करती है। सो गाइज आगे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज, ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं मिलती रहूँगी आपके साथ ऐसी ही और अच्छी वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव योर सेल्फ।